ओम शांति, ओम शांति। धन, धन भगवान तो ऊपर से नहीं भेजेगा ना, उसके पास ऊपर तो नहीं है। धन आपके पास जो भगवान की सेवा में लगाते हो, एक का पदम गुना मिलता है। समझ में आया? अब आपके सामने एक प्रश्न है। तो भाई जी कहता है, भाई जी कहता है, भाई जी मेरे आप कल बता रहे थे दोनों पाँव भी दर्द करता है, बुजुर्ग है, कहते भाई जी मैं यज्ञ की कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, ये तन बीमार है, मैं भगवान की यज्ञ की शरीर से कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मेरे पास धन है, मैं भगवान के भंडारे में 1,00,000 रुपया दान करता हूँ, भगवान के भंडारे में डालता, क्या भगवान मुझे निरोगी काया वरदान देगा? प्रश्न यहां आया। दूसरा, अभी माताजी कहती है भाई जी मुझे बच्चे पति कोई पैसे नहीं देते, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं भगवान के भंडारे में कुछ डालना चाहती हूं लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन शरीर अच्छा है, मैं शरीर से सवेरे से रात तक इस यज्ञ की सेवा करती हूं, क्या भगवान मुझे सारे कल्प में श्रीमंत बनाएगा, धनवान बनाएगा? प्रश्न यहां आया। अब माताजी क्या करे, कोई निवारण बताओ। अगर भाई क्या करे, वो कहते हमारे तन से नहीं होता, मैं धन देता हूं, तो तन निरोगी काया वरदान मिलेगा, गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा नहीं, उगेगा ना। अब उन्होंने शरीर को नहीं धन डाल दिया तो धन मिलेगा। आज देखो कलयुग दुनिया में किसी किसी का सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार, धन इतना है खाने वाले कोई नहीं घर में, है ना, ऐसा ही है ना, क्यों? इन्होंने धन लगाया, मन लगाया लेकिन तन नहीं लगाया, तन सदा बीमार। तो उसका कोई उपाय है तो बताओ, कुछ निवारण है? सुनते नहीं रहना, कुछ आपको बताना भी है, कुछ उपाय बताओ, क्या करे? अभी बाबूजी क्या करे, माताजी क्या करे? माताजी कहते मेरे पास धन तो नहीं है, मैं तन से सवेरे से शाम तक सेवा करती हूं, तो भगवान धन देगा? तो क्या उपाय बताओ, कुछ उपाय है कि उनको गरीबी रहना है, इनको सदा बीमारी रहना, भगवान ने आके क्या किया, कुछ उपाय बताओ, कोई उपाय नहीं? अरे बताओ जल्दी सोचो, चुपचाप सुनते रहना नहीं, आपकी बुद्धि चलनी चाहिए, है ना, ऐसे सुनते रहो, भक्ति में भी सुनते रहो, क्या अंदर गया क्या गया पता ही नहीं, तो योग लगाया तो मन से लगाया ना, मन सदा हर्षित है लेकिन तन, तन तो लगाया नहीं, तीनों लगाना चाहिए, लेकिन माता जी के पास धन है नहीं। भाई जी कहता मैं तन से कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो क्या करे? हाँ, संकल्प किया, मन अच्छा है, सदा हर्षित है, खुश है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं, और शरीर सदा बीमार है। हाँ, क्या मेहनत करे? अभी उनके शरीर से कुछ होता ही नहीं, वो कहते हैं मैं यज्ञ की कुछ सेवा करूं भगवान की, लेकिन शरीर से कुछ कर ही नहीं सकता है, तो क्या करे? माता जी कहती है मैं धन दे भगवान के भंडारे में डालना चाहती हूं लेकिन मेरे पास धन ही नहीं है, तो कुछ उपाय है, निवारण है, किसी के पास है तो बताओ, एक एक बोलो, एक एक। बाबा से ध्यान, बाबा से पास पैसे है, योग लगाएंगे तो मन अच्छा होगा लेकिन तन तो निरोगी नहीं होगा ना, धन तो ऊपर से, योग से धन तो नहीं आएगा ना, ऊपर से धन आएगा नहीं, शिव बाबा के पास तो नहीं, कुछ निवारण बताओ। तो अभी सुनना, निवारण, हर चीज का निवारण है। माताजी कहते मेरे पास धन नहीं है, ठीक है, लेकिन माताजी के पास जमीन भी है, घर में गाय है, भैंस है, जमीन है, खेती है, तो माताजी को बोला माताजी तो आपके पास धन नहीं है लेकिन गाय भैंस है, दूध है, बहन जी को रोज सेंटर में बाबा को भोग लगाने के लिए 1 लीटर दूध मार्केट से लाना पड़ता है, भंडारी से 100 रुपया निकाल, तो माताजी ने कहा भंडारी से बहन जी आप पैसे निकालो नहीं,
मैं आपको रोज एक लीटर दूध ला के देती हूँ। तो माता जी के नाम से 100 रुपया जमा हो गया ना। माता जी के पास खेती है, सब्जी है, अनाज है, पैसे तो नहीं है, तो बाबा को रोज भोग लगता है। सब्जी लेके आई मार्केट से, घर से साहब कहती है, बहन जी को कहती है, बहन जी आप मार्केट से सब्जी नहीं लाना, मैं हमारी खेती में बनती है, रोज़ ताज़ी सब्जी ले आती हूँ, अनाज ले आती हूँ। तो उसके लिए सब्जी के लिए एक महीने में 100 रुपया खर्चा होता है ना, कहाँ से भंडारी से निकलेगा ना। तो भंडारी में उनका नाम से जमा हो गया। धन नहीं है तो भी धनवान बन सकते हो, भगवान विधि बताता है, ये नहीं तो ऐसे करो, चलेगा इसमें चलेगा। कभी ऐसे नहीं कहना हमारे पास धन नहीं, हम गरीब है, नहीं धन नहीं तो तन ठीक है, सब्जी है, दूध है, अनाज है, भगवान को सब सदा भोग लगता है चलेगा, इसमें कोई तकलीफ है तो बताना। दूसरा, अभी भाई जी कहता है मेरा तन से कुछ नहीं हो सकता है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताओ। हाँ, उसका उपाय तो करो या औरों से करवाओ का। अभी भाई जी तो कुछ करने तन से कर नहीं सकते हैं, लेकिन उनके पास धन है, किसी एक मजदूर को बुलाओ, भैया ये पैसे देता हूँ मैं, आप इधर बर्तन साफ करो, सफाई करो, ये चूना लगाओ, है ना, पैसे मैं देता हूँ। तो ये नहीं कर सकते, दूसरों से करवा सकते हैं ना, मजदूर को बुला करके काम करा सकते हैं ना, तो धन उसके लिए सेंटर से देना पड़ता है। तो इन्होंने दिया तो इनके नाम में जमा हो गया, इनका तन नहीं लगा, इन्होंने दूसरों से करवाया। आप करो या करवाओ, हो सकता है कि नहीं, समझ में आया।